अब सिर्फ एक ऐप पर मिले सब कुछ। ARY के तमाम चैनल्स लाइव सिर्फ एक सुपर ऐप पर। ARY ZAP अभी डाउनलोड करें। फ्री HD लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अभी ARY ZAP डाउनलोड करें या फिर अपने PC और लैपटॉप पर विजिट करें arwayzap.com। बात सुनो मेरी, जरा अपनी सो कॉल्ड मामा से जाके पूछो, जिनकी बात मानकर तुम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने जा रहे हो, तो तुम्हारी असल माँ कौन थी और तुम इन तक कैसे पहुंचे? क्या बेहुदा मजाक है ये? मजाक तो तुम्हारी मामा ने किया तुम्हारे साथ, तुम्हें बेवकूफ बनाकर। मैं तो तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ, जिन्हें तुम सारी जिंदगी अपनी सगी माँ समझती रही, उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। मेरी माँ पर कुर्बानियों की इतनी बड़ी सजा ना दो मुझे। सी कुर्बानी? कैसी कुर्बानी? और किसने कहा था आपसे कुर्बानी देने के लिए? मैंने तो नहीं कहा होगा। बार बार अपने इस झूठ को कुर्बानी का नाम देकर क्या साबित करना चाहती हैं आप? यही कि आप बहुत अच्छी हैं? आंटी आप ठीक है ना? आंटी सितम कर ये कुर्बत क्या करे। आपने खुद कहा ना कि ज़ैनब ने इकरार कर लिया है कि वो आपकी माँ नहीं है, और आप माँ का दर्जा देने को तैयार नहीं हो, तो फिर अपनी जिंदगी को, अपनी जात को मिटा कर रख कर सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश को और तुम्हें अहमियत दी है मैंने, सिर्फ तुम्हें फौकियत दी है क्या? कि अपनी ममता को साबित करने के लिए ये सबूत काफी नहीं है? से अब तक इतने घंटे गुजर गए हैं और रुशना ने अब तक कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं किया। उसने नहीं किया तो क्या हुआ, मैं खुद कर लेता हूं। क्यों बंद हो जाता है इसका? साबरा सुनो, वो तुमने मामा को हॉस्पिटल ले जाते हुए देखा था? जी बीबी जी,
वो बेहोश हो गई थी तो शहरोज साहब उन्हें अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गए। कौन से हॉस्पिटल लेकर गए तुम्हें पता है? नहीं। अच्छा तुम जाओ, आंटी तो बताएंगी नहीं। शहरोज को फोन करती हूँ। हेलो हेलो, वो मामा कौन से हॉस्पिटल में है? तुम क्यों पूछ रही हो? जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। मैं जब मैं दरवाजा नॉक करके तुम्हें बताना चाह रहा था तो मैं अंदर बैठ के चीख रही थी, और अब तुम मुझसे सवाल कर रही हो कि आंटी कैसी हैं? मैं उनके पास आना चाहती हूँ, बता देना कौन से हॉस्पिटल में है वो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं यहाँ पर आके अपनी नफरत का मजीद इजहार करने की, तुम जितना कर चुकी हो ना वो काफी है। बेहतर होगा कि तुम घर पे रहो, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा। वो बेचारी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। की कंडीशन कैसी है अब? उष्णा तुम्हें इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, समझ आई? क्यों मुझे यहाँ ले आए हैं? मुझे घर जाना है। अगर आप ठीक होती तो आपको हॉस्पिटल क्यों लेके आते? डॉक्टर कह रहे हैं आपकी तबीयत खराब है, ऑब्जर्वेशन रखेंगे आज रात। मुझे, मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाना है। आप एक दिन के लिए तो यहाँ रहना पड़ेगा आपको, आप आराम करें प्लीज। उष्णा कहाँ है, नहीं आई? उष्णा भी आ जाएगी, आप प्लीज आराम करें ना। लेकिन अब कैसी तबीयत आपकी? मैं बहुत बेहतर हूँ। गुड, शहरोज मियां आप घर चले जाइए, मैं यहाँ हूँ इनके साथ। ओके। मैं तो शुक्र कर रहा हूँ कि शहरोज मियां थे वहां, वरना आपकी तबीयत तो बहुत बिगड़ गई थी। शहरोज अपनी जिम्मेदारी निभाना जानता है, इसीलिए मैंने उष्णा के लिए उसको पसंद किया है। उष्णा शहरोज के निकाह का दिन करीब आ रहा है और आप यहां मजे से बैठी ने फोन यूज कर रही हैं अपना। डील करने वाले तो रिलैक्स ही रहेंगे ना। कैसी डील? हमारे अजीम वालदैन ने वहाब साहब से कॉन्ट्रैक्ट वापस लेने के लिए एक डील साइन की, जिसके मुताबिक मुझे मुल्क से बाहर चले जाना है ताकि उष्णा शहरोज की शादी आराम से हो सके। आप सच कह रहे भाई? पूछो इनसे। अम्मी भाई सच कह रहे? आपने तो मुझसे वादा किया था ना कि आप किसी भी सूरत में उष्णा शहरोज की शादी नहीं होने देंगे। फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक्चुअली इनको ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इन लोगों को सिर्फ अपने मतलब से गर्ज है, औलाद जाए भाड़ में। क्या मैंने कोशिश नहीं की? तुम्हारे बाबा ने भी जोर दिया ना, अब बाप ने ये सब कर दिया तो क्या करें? तुम्हें क्या लगता है हमें ये सब कुछ करके खुशी हो रही है? वहाब और शहरोज तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए इसलिए वक्ती तौर पे हमने समझौता कर लिया, लेकिन अपनी उस जिल्लत को भूले नहीं है हम। मेरा यकीन करो बेटा, तुम्हारे बाबा ना पूरा पूरा हिसाब लेंगे बाप से। ओ, हिसाब लेंगे? और कब लेंगे? जब उष्णा की शादी हो जाएगी तब? देखो बेटा, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि हम तहमुल से काम लें। तुम बस कुछ वक्त के लिए मुल्क से बाहर चले जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही आप लोगों की डील का हिस्सा बनूंगा। देखो बेटा, जितनी जिल्लत तुम्हें महसूस हो रही है उससे कहीं ज्यादा हमें, लेकिन इस वक्त हम मजबूर हैं, इसलिए जैसे तुम्हारे बाबा कहते हैं ना बस वैसा करो। मुझसे कोई उम्मीद ना रखे, आपको जो करना है वो करते रहे। मैंने अपने तौर पे अपनी जंग लड़ना शुरू कर दी। क्या मतलब जंग लड़ना शुरू कर दी? क्या किया है तुमने? हाँ, मैंने उष्णा को बता दिया कि जिस माँ की बात मानकर उसने शहरोज से शादी करने का फैसला किया था, असल में वो औरत उसकी सगी माँ है ही। क्या ये क्या कर दिया बेटा? ये देखो, ये क्या बेवकूफी कर दी तुमने। अच्छा, और बाबा ने मेरे खिलाफ डील साइन करके कौन सी अकलमंदी का सबूत दिया? बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वहां पप्पू उष्णा का निकाह करवा रही है और मैं यहां हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं। योलो, एक धमकी देने पे वहां ने हमें दिन में तारे दिखा दिए थे, अब तुमने उष्णा को सारी हकीकत बता दी, पता नहीं वो हमारा क्या हाल करेगा। देखें, जिसको जो करना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुफियान, समझने की कोशिश करो बेटा, तुम्हारे बाबा ने वहां को जबान दी है, वक्त का तकाजा ये है कि इस वक्त तुम चुप रहो बस। देखिए, मैं किसी चीज का पाबंद नहीं हूँ, डील बाबा ने साइन की है ना, वो जाने और उनका काम, और आप लोग डरते ना उस वहाब नामी तोप से, लेकिन मैं किसी से नहीं डरता, मैं वही करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। बेटा नहीं, ये क्या कर रहा है बेटा? या अल्लाह, ये अब मैं क्या करूं? वहाब तो नहीं छोड़ने वाला, और रफाकत ने बड़ी बातें सुनाई थी मुझे। मामा कैसी है? मुझे उनसे मिलना है, मुझे उनके पास लेकर चले। रात काफी हो गई, डॉक्टर साहब मिलने नहीं देंगे, सुबह चली जाना। सुबह सुबह तो बहुत देर से होगी ना मैम। हॉस्पिटल के कुछ रूल्स होते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, सुबह चली जाना, परेशान ना। मैंने तो पहले ही कहा था, यकीनन कोई डील हुई है, वरना वहाब अंकल कॉन्ट्रैक्ट से पेपर इतनी आसानी से वापस कर दे। भाई साहब, इतनी बड़ी बात हमसे छुपाएंगे, इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। बाप ने डील साइन कर दी और बेटे ने उष्णा को सब कुछ सच सच बता दिया। जैनब के घर में ना तूफान उठ रहा होगा, मुझे तो डर है इस उठते हुए तूफान में कहीं हम सब ना डूब जाएं। आप लोगों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा कर रखी, उष्णा फूफो की सगी बेटी नहीं है? मुझे आप लोगों ने बेखबर रखा और सुफियान को सब कुछ पता था। इसी बात का तो उसने फायदा उठाया है उष्णा को हाथों से निकलता देखकर। लेकिन बहुत गलत किया है सुफियान ने, सुफियान को उष्णा को ये सारी बातें नहीं बतानी चाहिए थी। सिर्फ ये एक सच छुपाने के लिए जैन अपनी जिंदगी भर की कुर्बानी दी अपनी। इबरत हासिल करें आप इस बात से, ये बाप बेटे किसी के नहीं है। जो माँ बेटी को आपस में लड़वा सकते हैं वो अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शायद तुम ठीक कह रही हो। अरे भाई, मुझे तो ये फिक्र लग गई है कि डील में ना जाने क्या कुछ लिखवाया होगा वहाब भाई ने, और भाई साहब नन्हे बन के सब कुछ साइन कर दिए होंगे। वैसे आप तो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, इन सब में आपको शामिल क्यों नहीं किया गया? अरे तुम्हारे सामने पूछा तो था मैंने भाई साहब से, किसी एक बात का जवाब नहीं था उनके पास, बिल्कुल ही भाभी की बातें सुननी पड़ी है मुझे। अरे उनको तो आदत है बोलने की, बीमारी है उन्हें बोलने की। सारी बातों को छोड़े और मेरी बात सुने बाबा, अगर ताया जान ने सारा बिजनेस बेच दिया और सुफियान को ब्रॉड शिफ्ट कर दिया तो हमारे हाथ में भीख का कटोरा आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो ज़ैफा, सारे शेयर्स फौरन वापस ले लेने चाहिए। बोल तो दिया है, लेकिन तुम क्या चाहती हो कि गन पॉइंट के ऊपर सब कुछ ले लूं उनसे वापस पे? बस सारा गुस्सा ना आप हमें ही दिखाया करें, अपने भाई भाभी से जाके क्यों नहीं पूछते क्या क्या प्लानिंग करते रहते हैं दोनों? अल्लाह के वास्ते आप लोग आपस में उलझना बंद करें, बाबा समेत हम सब ने ताईजान से बात की है लेकिन वो खामोश हैं। अगर वो खामोश हैं तो हम भी हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकते। तुम क्या कहते हो इस बारे में? इससे बढ़कर और अब क्या किया जा सकता है? कोई मशवरा है तुम्हारे पास, एनी सजेशंस? बाबा हम लोग वकील करेंगे, हमारी बात को इग्नोर कर सकते हैं ताईजान, लेकिन कोर्ट की नोटिस को इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बस वकील ही बात करेगा उनसे। तुम लोग पागल हो गए हो, दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? मतलब तुम ये चाह रहे हो कि मैं अपने सगे भाई के ऊपर केस कर दूं? ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मुरव्वत में ना मारे जाएंगे आप एक दिन। देखा नहीं है पूरी कंपनी पे भाई साहब का होल्ड है, आप वहां सिर्फ एक बेकार किस्म के पुर्जे हैं और कुछ नहीं। आपका दिल नहीं चाहता कि बॉस की कुर्सी पे बैठे
कंपनी के सारे मामलात खुद हैंडल करें, नहीं? दिल चाहता तो है, लेकिन मैं तो अपनी इस चाहत के लिए स्टैंड लीजिए। लेकिन महनाज, अगर भाई साहब को तमाम बातों का पता चल गया तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में? अरे बस कर दीजिए, क्या हम ही रह गए हैं उनके मूड को देखने के लिए कि कब उनको क्या चीज अच्छी लगेगी क्या बुरी लगेगी? बाबा अगर आप इतने लीनियंट रहेंगे तो नुकसान सिर्फ हमारा होगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस पर। लेकिन मेरी सब समझ में आ गया है, बस अब एक ढंग का वकील हायर करें और वही इनसे बात करेगा। बहुत कर ली हमने मिन्नतें इनकी, हो गई इनकी मनमानी, बस। दिमाग खराब हो गया मेरा। क्यों मैसेजेस कर रही हो? क्यों बुलाया तुमने मुझे? बात पूछनी आपसे। मैं या तुम्हारे बाबा को संभालूं, सुफियान को हैंडल करूं, या तुम्हारे सवालों के जवाब दूं? मुझे बताएं, भाई ने क्या न्यूज ब्रेक की है? क्या वाकई उष्णा पप्पू की बेटी नहीं है? जैनब की कोई औलाद थी ही नहीं, उष्णा तो वो फुरकान के दोस्त की बेटी है। लो, ये बात आप लोगों ने आज तक मुझसे क्यों छुपाई? तुम्हें बता देते तो क्या मिल जाता? भले कुछ ना मिलता, लेकिन वो जो सिंड्रेला बनी फिर रही है, उसे तो अपनी औकात पता चलनी चाहिए थी ना? ना तो कर तो आया है तुम्हारा भाई तमाशा। बहुत अच्छा किया भाई ने। हाँ अच्छा किया। अब तुम ये देखना कि वहाब हमारे साथ क्या करता है। उधर तुम्हारे बाबा भी इसी वजह से परेशान है। मेरा भी दिल खोल रहा है। अरे कुछ नहीं होता, जो होगा ना वो देखा जाएगा। ये तुम कह रही हो? तुम शायद भूल गई हो पिछले दिनों की टेंशन और उस डील को। या हम सुफियान की वजह से परेशान हो रहे कि किस तरह से उसको इस मुल्क से बाहर भेजे, और उसे देखो एक नया तूफान खड़ा करके बैठ गया। आपको उष्णा के बैकग्राउंड के बारे में कुछ तो पता होगा ना? फुरकान अंकल के दोस्त उन्हीं की तरह होंगे ना, गरीब से? नहीं नहीं, फुरकान गरीब थोड़ी था। तुम्हारे दादा ने जैनब की शादी बहुत अच्छे और खाते पीते घराने में की थी। वो तो बस फुरकान का बिजनेस डूबा तो उसका ये हाल हो गया था। उसके सारे दोस्त अहबाब भी काफी अमीर कबीर लोग थे। वो उस दिन औरत नहीं आई थी, वही तो उष्णा की दादी है। लैंड क्रूजर वाली उष्णा की दादी? हाँ। ये उष्णा तो वाकई सिंड्रेला निकली। सिंड्रेला किसी नेक औरत की औलाद होती तो मैं शायद मान भी लेती। उष्णा की माँ नेक औरत नहीं थी? तुम्हें ना नहीं थी क्या? सदफ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है बेटा, मेरा दिमाग बंद हो चुका है। तुमने जो कुछ पूछना है ना बाद में पूछना। मैं तुम्हारे बाबा को देखूं, सुफियान की वजह से वो भी बहुत परेशान हो गए। मुझे बता। उष्णा की माँ नेक औरत नहीं थी तो क्या थी? ऐसा क्या है जो मामा बता के नहीं गई है? एक बार, बस एक बार उष्णा की दुखती शक मिल जाए, फिर देखना कैसे उसे शहरोज की जिंदगी से निकाल। आपने कहा था ना आप सुबह मुझे मामा के पास लेकर जाएंगे हॉस्पिटल, लेकर जा रहे हैं ना? तुम्हारी आंखें देख के लग रहा है कि तुम सारी रात सोई नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे या नहीं, और अगर नहीं लेकर जाना चाहते तो हॉस्पिटल का बता दें, मैं खुद चली जाऊंगी। चलो चले। उसको कोई गर्ज नहीं है तुमसे, तुम किससे मोहब्बत करती हो किससे नहीं करती हो।
ये अपने मफाद के लिए सब कुछ कर रही है, मैं बता रहा हूं तुम्हें, दौलत के लिए कर रही है। उसना जब ये तुम्हारी मां नहीं है तो फिर तुम क्यों हो यहां पे? तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। सॉरी मामा, अगर मुझे पता होता कि आप मेरी जरा सी नाराजगी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे तो मैं ऐसा कभी ना करती। मुझे पता लग गया आपके बगैर मेरा कोई वजूद नहीं, कोई हैसियत नहीं, मैं कुछ नहीं हूं। आपने मुझे यतीम के सर पे हाथ रखा, मुझ पर अपनी ममता निछावर की, मेरे लिए सारे जमाने से लड़ती रही। मैंने क्या किया? अपनी कमजोरी में आपके सच बताने पर आपसे ही लड़ने लगी। ये भूल गई थी कि आपके अलावा तो मेरा इस दुनिया में कोई और है भी नहीं। मुझ में ये हौसला नहीं है, मैं बाबा को खो चुकी हूं पर अपनी मामा को नहीं खो सकती। मुझसे गलती हो गई, प्लीज मामा मुझे माफ कर दे, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आपने तो आज तक मेरी सारी गलतियों को माफ किया, बस इस एक आखिरी गलती को भी माफ कर दी। प्लीज मामा ऐसे चुप तो मत रहे, आपकी उष्णा आपसे माफी मांग रही है, प्लीज मुझे माफ कर दे, प्लीज मम्मा। कहां से लाती मैं ऐसा दिल जिगर जो ये नफरत बर्दाश्त कर सकता। नहीं थी हिम्मत मुझ पे, मैं तो समझी थी तुम्हारी ये नफरत मेरी जान ले देगी, लेकिन देखो मामूली सी बेहोशी के सिवा कुछ नहीं हुआ मुझे। आपकी जान मुझ में बसी, फिर मैं आपसे नफरत कैसे कर सकती? मुझ में और फासला नहीं कि मैं आपसे और दूर रहूं, आपसे नफरत करूं। मैं बहुत बुरी बेटी हूं ना, I'm sorry, मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। मैंने आपकी ममता पे सवाल उठाए, मुझे माफ कर दे मम्मा, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दिया ना? डॉक्टर्स बहुत मुतमईन है, कह रहे हैं इनको घर ले जाया जा सकता है। थैंक यू शेरोज, वहाँ बता रहे थे कि अगर आप मुझे पर वक्त हॉस्पिटल ना लाते तो न जाने क्या हो जाता। थैंक यू, क्या जरूरत है आंटी, ये तो मेरा फर्ज था। फैमिली मेंबर के लिए कुछ भी करना एहसान नहीं, जिम्मेदारी होती है। अच्छा आप लोग फिर पैकअप कर लें, मैं न्यूज क्लियर करके आता हूँ।
हेलो, मैं अपना फोन भूल गया, I'm so sorry. It's okay, मैं ले आती हूँ. ओके प्लीज. चले? हाँ चले. आपने मामा को टाइम पर हॉस्पिटल लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया. मैं किसी पे एहसान नहीं करती. फिर भी थैंक यू. अगर मामा को कुछ हो जाता तो मैं शायद कभी खुद को माफ ना कर पाती. चलो अच्छा, तो अभी गलती का एहसास तो हो गया कि तुमने आंटी के साथ इतनी चीजें की. हाँ एहसास तो हो गया और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ. अच्छा, हैरत है? इसमें हैरत की कोई बात नहीं. तो अगर मुझे अपनी गलती रियलाइज हो सकती है तो आप भी वहाब अंकल से माफी क्यों नहीं मांग लेते? अभी मेरी जिंदगी में तुम्हारी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं हुई कि तुम मुझे मशवरे दो. मैं पार्किंग में किसी का इतनी देर वेट नहीं करता, जल्दी आ जाना. ये नहीं सुधर सकता. तो सर कहाँ जा रहे हैं साहब? मुझे उष्णा से मिलना. हाँ छोड़ो मेरा भाई. आप रुक जाए. उष्णा अभी रुक जाए भाई. आप उष्णा हाँ छोड़ो. इसको अंदर किसी ने आने दिया? तो साहब इसका गेट खुला था, बहुत सामने घुस गया. तो देखें इधर क्यों आए हो? क्या करने आए तुम यहाँ? उष्णा से मिल ले. चले जाओ यहां से. और कितना जहर भरोगे? मैं कोई जहर भरने नहीं आया. जो सच्चाई थी वही मैंने बताई उष्णा को. आप मुझे बताएं, आप ये सब कुछ करके कौन सा अपना फायदा हासिल करना चाहती हैं? आप क्यों शहरोज और उष्णा की शादी करवाना चाहती हैं? बोले दौलत के लिए ना. तुम अपनी हद में रहो तो तुम्हारे लिए बेहतर है. क्या है मेरी हद? बोलो तुम बताओगे मुझे. जैनब, जैनब आप अंदर जाएं, मैं देखता हूं. बाप अपने मफाद में डील करता है, बेटा घर में आके धमकाता है. तुम्हारी सारी अकड़ खत्म कर दूंगा मैं. आप लोगों को जो करना कर ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन मैं उष्णा के लिए यहां पे आता रहूंगा. बकवास करने के बाद भी ये शख्स यहाँ अपनी टांगों पे खड़ा हूँ मैं. इसको छोड़ूंगा नहीं. गंदे नहीं करो अपने हाथ. चलो बना कर लो. गंदे नहीं करो अपने हाथ. चलो इसको निकालो यहाँ से. निकालो इसको. मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा. उष्णा उष्णा, ये लोग चाहे मुझे तुमसे जितना भी दूर कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे बार बार आऊंगा. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. जो तुम्हारी मां है ना, ये तुम्हारी सगी मां नहीं है. उसको कोई गर्ज नहीं है तुमसे, तुम किससे मोहब्बत करती हो किससे नहीं करती हो. ये अपने मफाद के लिए सब कुछ कर रही है, मैं बता रहा हूं तुम्हें. दौलत के लिए कर रही है. उसने जब ये तुम्हारी मां नहीं है तो फिर तुम क्यों हो यहां पे? तुम चलो मेरे साथ. तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता. तुम बालिग हो, समझदार हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता. उष्णा तुम चलो मेरे साथ, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे. मेरी मामा मेरे लिए सब कुछ है, उन्हें मेरा दुश्मन बताने वाला मेरा हमदर्द कैसे हो सकता है? तुम मेरी बात नहीं समझ रही उष्णा, तो तुम्हें इस्तेमाल कर रही हैं. अपनी बकवास बंद करें और चुपचाप चले जाएं यहाँ से. अगर आप मेरे इतने ही हमदर्द होते तो मुझे इतनी तकलीफ दे बात ना बताते, जिसे छुपाने के लिए मेरी माँ ने इतनी बढ़िया कुर्बानियां दी. आपने और आपके घर वालों ने इस राज को मेरी मामा की कमजोरी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया. लेकिन अब नहीं. तो तुम अपना फैसला नहीं बदलो? नहीं, किसी सूरत नहीं. तुम बहुत पछताओगी उष्णा, तुम बहुत पछताओगी.
मेरे घर में खड़े होके मेरी बहू को धमकी दे रहे हो? बहुत जल्दी इसके अंजाम का पता चलेगा तुम्हें। आप इसको धमकी मत समझिए। ये यहाँ खड़े होकर बकवास किए जा रहा है, आप सब सुन रहे हैं इसके बाद? छोड़ो इसको, तुम छोड़ो, तुम अंदर जाओ, मैं इसको देख रहा हूँ, तुम अंदर जाओ। शाबाश। दरवाजा बंद करो। गिरफ्तार कर उनको, लेके चलो। छोड़ूंगा नहीं मैं आप लोगों। हेलो, छोड़ूंगा नहीं। कभी भाई, कभी भाभी, कभी सुफियान के बाबा क्यों हमारी जिंदगियों में आ जाते हैं? इससे क्या फर्क पड़ता है? आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपकी तबीयत पहले ठीक नहीं। तुम शहरोज से शादी के लिए तैयार हो ना? ये फैसला किसी दबाव में आकर तो नहीं कर रही? मैं आपके हर फैसले पे आंखें बंद करके चल सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ इस दुनिया में आपसे बढ़कर मेरा मुखलिस कोई नहीं है। लेकिन वो जो सुफियान कह रहा है, वो जो भी कह रहा था, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप बस वो सुने जो आपकी बेटी कह रही है, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कितनी अच्छी बेटी हो तुम। हाँ, अच्छी बेटी तो हूँ, अपनी माँ पर जो गई। अल्लाह, ये सुफियान फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत करना पता नहीं कहां रह गया। ये फोन तो कभी नहीं बंद किया उसने। मसला क्या है उसके साथ? क्यों बार बार यहां पर आ जाता है? चल क्या रहा है तुम दोनों के दरमियान? एक्सक्यूज मी, अगर हमारे दरमियान कुछ चल रहा होता तो वो अकेले ना जाते यहां से। अच्छा, इतना अफसोस है तो मुझे बताओ, तो मैं उसके साथ ही भेज देता हूँ। आपसे बात ही नहीं करनी चाहिए। बात सुनो मेरी, तुम दोनों के लिए यही बेहतर होगा कि वो आज की बात यहाँ नजर ना आए, वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। रफाकत, सुफियान सुबह से घर से निकला हुआ है, फोन बंद आ रहा है उसका। दोस्तों में कहीं गया होगा। हाँ तो फोन थोड़ी बंद करता है वो अपना, मुझे बड़ी फिक्र हो रही है भाई। अरे तो उसके दोस्तों को फोन कर लो ना, उनसे पता चल जाएगा। आपको क्या हुआ है, इधर दिखाए। तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ है? ये क्या है? शुजात की तरफ से कानूनी नोटिस है उसके शेयर्स के लिए। क्या पागल हो गया शुजात? हाँ पागल तो हम हैं, तो इन सबको अपना समझते रहे। ऐसा नहीं हो सकता है। कहाँ शुजात? मैं मैनाज से खुद बात करती हूँ, दोनों से बात करती हूँ, दोनों की शर्म खत्म हो गई है। कहाँ जा रही, क्या कर? कोई फायदा नहीं है सब कुछ करके। मैं हमेशा कहती थी ना आपसे कि थोड़े से शेयर देके फारिग करें उसी वक्त, लेकिन आपको तो मेरी बात समझ में नहीं आती। अब देख लिया, 5 का 500 करके अपने हिस्से में मांग रहा है। क्या कह सकते हैं? कहना क्या है, निकालें दोनों को घर से और फाड़े इसको। किसको ऐसे नहीं फाड़ सकते, कानूनी नोटिस है। हाय, क्यों नहीं फाड़ सकते? कौन बज रहा है आपका? वहाब की कॉल। अब आप क्यों कॉल कर रहे हैं? आपको तो बात करेंगे तो पता चलेगा ना।
जी हेलो। मुझे यकीन है आप इस वक्त अपने साहबजादे के बारे में बहुत तशवीश का शिकार होंगे। मैं सोचा आपको बता दूं। सब ठीक तो है ना? आपने डील तो कर ली लेकिन अपने साहबजादे को काबू में नहीं रख सके। देखिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। आपने जो डेडलाइन दी थी वो अभी बाकी है। मैं उससे पहले पहले सुफियान को बाहर भिजवा दूंगा। ठीक है, डेडलाइन खत्म होने तक वो लॉकअप में ही रहेगा। उसका सामान लेकर थाने पहुंच जाइएगा और वहां से सीधा रवाना कीजिएगा एयरपोर्ट पे इसको। इसी में आपकी बेहतरी है। लॉकअप? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो आप सुन रहे हैं। सुफियान ने किया क्या है? मेरे घर आकर मेरी बीवी मेरी बेटी के सामने जो बकवास की उसने सारी हदें पार की हैं। एक बात का मैं तुमसे वादा कर लेता हूं, अगर वो डेडलाइन तक मुल्क छोड़कर नहीं गया तो सारी जिंदगी तुम अपने बेटे को जेल में नहीं जाओगे। ये वादा है मेरा। क्या हुआ? क्या कह रहा था वहाब? और ये लॉकअप की क्या बात कर रहा था? सुफियान को उसने लॉकअप में बंद करा दिया। या अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों? मेरा फोन चाहिए, घर पे बात करनी है। तो जाओ, इसका मुंह बंद कर। ये तेरा ससुराल नहीं है जो तेरी हर ख्वाहिश को पूरी किया जाए। चुप करके बैठ जा वहां पर और ये भूल जा कि कोई आएगा तेरी जमानत करेगा और तू बाहर निकल जाएगा। लेकिन मैंने किया क्या है? क्या किया है? इज्जतदारों की इज्जत उछालता फिरता और पूछता है मैंने क्या किया है। अभी आवाज नहीं आनी चाहिए तेरी। अगर अब आवाज आई अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। जा बैठ वहां पे। सुफियान की जमानत कराने चलते हैं। चलिए। कोई फायदा नहीं है। लेकिन भाई साहब सुफियान को इस तरह लॉकअप में तो रहने नहीं दे सकते ना हम। वहाब ने वार्न किया कि अगर हमने ऐसी कोई हरकत की तो नताइज भुगतने हम। उष्णा के निकाह से पहले सुफियान को बाहर भेजना होगा। सोचा क्या आपने? हमें जो सोचना होगा ना हम सोच लेंगे। तुम लोगों को हमारा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। हमें अपने बेटे के लिए जो कुछ करना पड़ा हम करेंगे। तुम लोग जाओ ना, जाके अपना बिजनेस संभालने की कोशिश करो। शेयर्स मिल रहे हैं ना, जाओ उसकी प्लानिंग करो। इतना जलील होना काफी है या और बैठना है यहाँ? पहले ही मैंने आपको कहा था। चलिए। फिर भी अगर आपको किसी जगह मेरी जरूरत पड़े। कह दिया ना नहीं जरूरत है। माफ कर दो हमें। अल्लाह मेरा बच्चा पूरी रात थाने में रहेगा। मेरे बच्चे को ला के दे। वो पूरी रात लॉकअप में नहीं गुजार सकता।
मेरी मामा मेरे लिए सब कुछ है, उन्हें मेरा दुश्मन बताने वाला मेरा हमदर्द कैसे हो सकता है? तमगर ये कुर्बत क्या